विथ रेफरेंस टू ईस्ट इंडिया कंपनी एंजलिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी क्या है, तो वो एडुकेशन से रिलेट करता है। जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंजलिस्ट ने आर्ग्यू किया था एडुकेशन शुड बी फोकस्ड ऑन मॉडर्न स्टडीज। अहम रिवॉल्ट वॉज लेड बाय गोमदर कुंवर। दिस स्पार्क्ड ऑफ अ रिबेलियन इन 1828 अंडर द लीडरशिप ऑफ गोमदर कुंवर। द ब्रिटिश हैड प्लेस्ड विदड्रॉ आफ्टर द फर्स्ट बर्मा वार फ्रॉम असम, पर उसने विदड्रॉ नहीं किया, तो उसके बाद ये हुआ था। और फाइनली द कंपनी डिसाइडेड टू फॉलो अ कंसिलेटरी पॉलिसी एंड हैंडेड ओवर अपर असम टू महाराजा पुरंदर सिंह नारेंद्र। तीसरा, सरला भाला देवी चौधरानी इज एसोसिएटेड विद भारत श्री मंडल। मिर्जा गुलाम अहमद जो है वो किससे है, तो अहमदिया मूवमेंट से है। भारत श्री मंडल जो पहला वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि फाउंडेड बाय सरला देवी चौधरानी, अहमदिया मूवमेंट हुआ मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा इन 1889। ये लिबरल प्रिंसिपल पे बेस्ड था। फिर पहले कौन सा ट्रीटी हुआ, तो ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, फिर ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, फिर ट्रीटी ऑफ बसीन। ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद जो है वो साइन किया गया था 12 अगस्त 1765 को एम्परर शाह आलम टू के और सन ऑफ लेट एम्परर आलमगीर टू एंड रॉबर्ट क्लीव, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का था, जो एज अ रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम जो है वो 18 मार्च 1792 को हुआ था, थर्ड एंग्लो मैसूर वार के बाद एक लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच और टिपू सुल्तान के बीच हुआ था। फिर ट्रीटी ऑफ बसीन जो 31 दिसंबर को हुआ, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बाजीराव टू के बीच में हुआ। फिर जमींदारी सिस्टम के बारे में है कि जमींदारी सिस्टम जो ये कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था 1793 में टू परमानेंट एक्ट, और ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी में, ठीक है। और जो रिटवारी सिस्टम है वो हुआ था थॉमस मुनरो के द्वारा, और ये एरिया था इसका मद्रास, मुंबई, असम और कुर्ग। फिर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो ये द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल विद सुपरवाइजरी पावर ओवर द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, ये 1773 के थ्रू हुआ। और इसका बाकी और क्या क्या प्रोविजन था, तो गवर्नर जनरल होगा फोर्ट विलियम में इन बंगाल विद सुपरवाइजरी पावर ओवर मद्रास एंड बॉम्बे। फिर गवर्नर जनरल हैड काउंसिल ऑफ फोर एंड वॉज गिवन अ कास्टिंग वोट, बट वीटो नहीं था। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ फोर इंग्लिश जज वॉज सेटअप इन कलकत्ता, इसलिए ठीक है। उसके बाद सेवन क्वेश्चन है कि ऑन 28 मई 1498 पोर्टुगीज सेलर नेम्ड वास्को द गामा अराइव्ड एट कैलिकट। ऑल्सो द ब्रूस अल्ब्रुस्क जो है उन्होंने कैप्चर किया गोवा गोलकोंडा के सुल्तान से। फिर ऑन 28 मई 1498 पोर्टुगीज सेलर नेम्ड वास्को द गामा अराइव एट कैलिकट। जो रियल फाउंडर था पोर्टुगीज पावर का वो अल्फोंसो द अल्ब्रुस्क था। उसने अल्मेडा को रिप्लेस किया था एज द गवर्नर, एंड इन द नेक्स्ट ईयर 1510 ही कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो है वो प्रोवाइड करता है कि 1 लाख रुपया एजुकेशन में यूज़ हो। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने डेजिग्नेट किया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो क्या कर दिया था, तो वो बन गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम सेटिंग अपार्ट सम ऑफ 1 लाख रुपये फॉर द स्पीड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। फिर नाइन्थ है कि इन चार्टर एक्ट ऑफ 1853 डिक्रीड दैट ऑल रिक्रूट्स आर रिक्रूट्स टू बी रिक्रूटेड वेट टू बी सेलेक्टेड थ्रू अ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज इस्टेब्लिश किया था कलकत्ता ड्यूरिंग द गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। फिर वेरन, ये दोनों गलत है क्योंकि वेरन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल वन। इसने क्या इस्टेब्लिश किया, इस्टेब्लिश द दीवानी अदालत एंड फौजदारी अदालत इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर विलियम बेंटिक ने अबॉलिश किया था प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील एंड सर्किट, ठीक है। गवर्नर जनरल जो है विलियम बेंटिक ने क्या रिफॉर्म लिया, एक तो अबॉलिशन ऑफ सती, फिर सप्रेशन ऑफ थगी, ठीक है। तो विलियम बेंटिक के समय हुआ अबॉलिशन ऑफ सती, सप्रेशन ऑफ थगी, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, रिजोल्यूशन ऑफ 1835 एंड एजुकेशनल रिफॉर्म। फिर वेलो म्यूटिनी जो है वो
ब्रिटिश ने में हुआ था July 10, 1806 में ड्यूरिंग द टेन्यू ऑफ सर जॉर्ज बॉर्लो, ठीक है। और फर्स्ट अफगान वार, एंग्लो अफगान वार जो वो 1839 से 1842 के बीच में वो किसके समय, तो टेन्यू ऑफ लॉर्ड ऑकलैंड। फिर लॉ मेंबर जो कब ऐड हुआ था गवर्नर जनरल के काउंसिल में, ये ऐड हुआ था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 फॉर द एडिशन ऑफ अ लॉ मेंबर टू द गवर्नर जनरल काउंसिल। लॉर्ड मैकॉले वॉज द फर्स्ट लॉ मेंबर अपॉइंटेड अंडर द एक्ट। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके अंदर हुआ था, लॉर्ड डलहौसी के अंदर। डलहौसी का पॉलिसी था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो इसमें गया था सतारा, नागपुर एंड झांसी। फिर 14 है कि जो पेयर रिप्रेजेंट मूवमेंट और लीडर्स एसोसिएटेड विद देम, तो इसमें पावना जो मूवमेंट हुआ था ये ईशान चंद्र रॉय के अंदर हुआ था। फिर रिवॉल्ट ऑफ द रामोसी हुआ, ये चित्तूर सिंह के अंदर हुआ। फिर ठीक है, फिर ये मेन लीडर ऑफ द एग्रीगेरियन लीग जो था उसका लीडर थे ईशान चंद्र रॉय, शंभू पाल एंड के मुल्ला। फिर रामोसी ऑफ महाराष्ट्र जो थे वो इन्फीरियर रैंक्स थे पुलिस में इन मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद जो मेन लीडर ऑफ द अग्रेरियन लीग बताया मैंने, रामोसी बताया। फिर चित्तूर सिंह वाज हु रिवॉल्टेड इन सतारा इन 1822 एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हैवी असेसमेंट गैदर्ड द रामोसीज अंडर हिज बैनर, ठीक है। फिर कल्टिवेटर ऑफ चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इन द 19th सेंचुरी हैज़ बिन फोर्स्ड बाई यूरोपियन प्लांटर्स टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन 320th ऑफ द लैंड होल्डिंग नोन एज तिनकथिया सिस्टम। तो महात्मा गांधी इसमें ज्वाइन किए थे कब, तो जब राजकुमार शुक्ला ने उन्हें परसुएट किया 1917 एंड ऑफर्ड सिविल डिसऑबिडियंस। फिर हंटर एजुकेशन कमीशन जो है 1882 से 83 तक का, इसका था कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो शुड बी रिगार्डेड एज एजुकेशन ऑफ द मासेस एंड जो फी चार्ज होता है इन एडेड सेकेंडरी स्कूल शुड बी कंसिडर्ड लोअर देन द फीस चार्ज इन गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। फिर इसका देखो मेन मेन क्या था रिकमेंडेशन, तो पहला था कि प्राइमरी एजुकेशन शुड बी रिगार्डेड एज एजुकेशन ऑफ द मासेस। दूसरा है कि एजुकेशन शुड बी टू ट्रेन द पीपल ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस। तीसरा है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कितना क्या होना चाहिए, तो मदर टंग में। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर शुड बी मेड बाई डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। और सेकेंडरी एजुकेशन पे जो था मेन, ये मेन रिकमेंडेशन वो था कि एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी हैंडेड ओवर टू एडुकेटेड पीपल। इंग्लिश शुड रिमेन एज मीडियम इंस्ट्रक्शन इन सेकेंडरी स्टेज। फीस चार्ज इन एडेड सेकेंडरी स्कूल शुड बी कंसिडरेबली लोअर दैन द फीस चार्ज इन गवर्नमेंट स्कूल। फिर यंग बंगाल मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो किया था हेनरी विवियन डेरोजियो ने। फिर द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे जो था वो किया गया था विलियम लैम्पटन ने। इट बिगन इन 1802 बाई इन्फेंट्री ऑफिसर विलियम लैम्पटन, ठीक है। फिर एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था, तो उसका पहला एंग्लो मैसूर एंड हुआ था ट्रीटी ऑफ मद्रास से, ठीक है। इन द मिस्ट ऑफ द वॉर हैदर अली डाइड एंड हिज टीपू सुल्तान, हिज सन टीपू सुल्तान कंटिन्यूड द वॉर, ठीक है। फिर जो थर्ड एंग्लो मैसूर हुआ था वो हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंदर, और उसमें साइन हुआ था ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। फिर 19 क्वेश्चन है कि एंग्लो मराठा वार जो है उसमें एज पर द ट्रीटी ऑफ सलबाई विच वॉज साइंड आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट एंग्लो मराठा वार वॉज सलसेट्टे शुड कंटिन्यू इन द पोजिशन ऑफ द इंग्लिश। एज पर द ट्रीटी ऑफ बसीन जो कि हुआ सेकेंड एंग्लो मराठा वार के बाद, पेशवा ने एग्री किया था कि अपने सारे क्लेम छोड़ देगा फॉर चौट अंडर निजाम्स डोमिनेशन, ठीक है। 20 क्वेश्चन है कि बक्सी जग बंधु किससे है, तो पैका रिवेलियन से है। ही वॉज द कमांडर ऑफ द फोर्सेस ऑफ द खोरधा, द पैका रिवेलियन 1817 एंड वॉज अंडर हिज लीडरशिप। फिर सब्सिडरी अलायंस जो है वो है नेटिव प्रिंसेस और रूलर्स हु एंटर इनटू सब्सिडरी अलायंस वुड नॉट बी फ्री टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट एनी अदर पावर विदाउट इंग्लिश के कंसेंट से, ठीक है। तो वेलेस्लीज एम्स वर एक्सपेंशन एंड इम्पेरियलिज्म, तो उसने इंट्रोड्यूस किया सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस नहीं, लॉर्ड डलहौसी ने तो
नहीं किया, ये वेलेसली ने किया सब्सिडरी एयरलाइंस को, डॉक्टर ऑफ लैब्स किया और डलहौसी ने। फिर जेम्स अगस्तस हिक की जो है उसने, वो एक इरिसमैन था जिसने स्टार्ट किया था हिक इज बंगाल गैजेट। द बॉम्बे समाचार इज द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली पब्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1822 में फदुंजी मर्जबान के द्वारा, और जो लाहौर क्रॉनिकल है वो स्टार्ट किया गया था सैयद मोहम्मद अजीम के द्वारा, जो कि एक फादर ऑफ पंजाब हिस्टोरियन है। फिर है वारन हेस्टिंग जो है उसने इस्टेब्लिश किया था कलकत्ता मदरसा फॉर द स्टडी ऑफ मुस्लिम लॉज एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स। फिर जोनाथन डंकन था जो जिन्होंने संस्कृत कॉलेज स्टार्ट किया था वाराणसी में फॉर द स्टडी ऑफ हिंदू एंड फिलासफी। ठीक है, कलकत्ता मदरसा फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वारन हेस्टिंग, फिर जोनाथन डंकन। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लेड टू लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन, तो वो होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जिसमें कि लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन हुआ। इट एंश्योर्ड यूनिफॉर्मिटीज ऑफ लॉज इन द कंट्री, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन वर कोडिफाइड, IPC एंड कोड ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर केम इन टू एग्जिस्टेंस। फिर लैक्स लॉ की एक्ट ऑफ 1850 क्या है, तो इट प्रोवाइडेड राइट टू इनहेरिट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू हिंदू कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी। ठीक है, तो हिंदू जो कन्वर्ट हो रहा है उन लोग को राइट टू प्रॉपर्टी हो गया। फिर 19th सेंचुरी आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन किस से रिलेटेड है, तो ये है रिलेटेड रिवॉल्ट ऑफ 1857 से, द ग्रेट म्यूटिनी ऑफ 1857। फिर 27 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स पब्लिश्ड अ सेट ऑफ नोट्स ऑन इन्फेंट मैरिज एंड इन्फोर्स्ड विडोहुड इन इंडिया, तो ये होगा B.M. मालबारी, पैरम जी मेहरवान जी मालबारी। फिर 28 है कि डेकन वाइट जो है लेट 19th सेंचुरी का, उससे रिलेटेड है कि एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट ऑफ 1879 वॉज पास टू प्रोवाइड रिलीफ किसको, टू डेकन पेजेंट्स को। और ये जो है मेनली रिलेट करता था कि द मराठा पेजेंट्स गेव वेंट टू द फीलिंग एंड स्टार्टेड सोशल बॉयकॉट ऑफ मनी लेंडर्स इन पुणे एंड अहमदनगर, ना कि ब्रिटिशर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ कमीशन टू इंक्वायर इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ दिस राइट्स, यही हुआ तुम्हारा, इसी के कारण गवर्नमेंट ने पास किया एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट 1879। फिर नील दर्पण जो है वो दीन बंधु मित्र ने लिखा है, जो कि इंडिगो प्लांटर्स से रिलेट करता है, 1858-59 के आसपास लिखा। पोर्ट्रेट द फार्मर्स सिचुएशन एक्यूरेटली, इट शोड हाउ फार्मर्स वर कोर्स्ड इनटू प्लांटिंग इंडिगो विदाउट एडिक्वेट पेमेंट। फिर है कि द फर्स्ट फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम इन 1605, डच का पहला फैक्ट्री हुआ मसूलीपट्टनम में, उसके बाद पुलिकेट में, उसके बाद सूरत में। फिर इन 1615 सर थॉमस रो मुगल से फरमान लेने में सक्सीड किए थे। इन 1632 द इंग्लिश ऑब्टेंड फ्रॉम द सुल्तान ऑफ गोलकंडा द गोल्डन फरमान, ग्रांटिंग देम द राइट टू ट्रेड थ्रू आउट द किंगडम ऑफ गोलकंडा ऑन पेमेंट ऑफ फिक्स्ड कस्टम ड्यूटी ऑफ 500 पगोडाज पर ईयर। ठीक है, 1632 में सुल्तान ऑफ गोलकंडा के द्वारा। फिर मैसूर जो है वो एनेक्स किया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नेंस। थर्ड कार्नेटिक वार वाज अ लोकल वर्जन ऑफ 7 ईयर वार इन यूरोप, मतलब यूरोप में जो 7 ईयर वार था उसी का पार्ट था ये। तो द फ्रेंच फोर्सेज इन साउथ वर लेड बाय हुम, तो बाय कॉन्टे डे लाली। द ब्रिटिश फोर्सेज अंडर सर एयर कूट डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वांडूवास इन 1760 एंड बीसीज्ड पॉन्डिचेरी। फिर 32 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अवे पार्ट ऑफ प्री कांग्रेस कैंपेन अगेंस्ट ब्रिटिश, तो पहला है कि अगेंस्ट लाइटन्स अफगान एडवेंचर, दूसरा है अगेंस्ट द एल्बर्ट बिल। ये तो प्री कांग्रेस कैंपेन है ना, प्री कांग्रेस में ये आएगा, इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन 1875, इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज 1878-79, फिर अगेंस्ट लाइटन अफगान एडवेंचर, फिर अगेंस्ट आर्म्स एक्ट 1878, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट 1878। डेट्स इंपॉर्टेंट है, ईयर्स इंपॉर्टेंट है। राइट टू ज्वाइन द वॉलंटियर कॉर्प्स, अगेंस्ट प्लांटेशन लीव एंड अगेंस्ट इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट इन सपोर्ट ऑफ एल्बर्ट बिल, फॉर ऑल इंडिया फंड फॉर पॉलिटिकल एजिटेशन कैंपेन इन ब्रिटिश टू वोट फॉर
pro India party. Protest weather against the partition of Bengal was a post Congress campaign 1905 में जो हुआ. फिर जॉब चार्नॉक जो है उसने establish किया था फोर्ट विलियम एट कलकत्ता, ये 33 है. फिर फ्रांसिस डे establish द सिटी ऑफ मद्रास और फोर्ट सेंट जॉर्ज कंस्ट्रक्ट किया गया था. फिर कि बैटल ऑफ प्लासी जो है वो किसके समय हुआ था, तो आलमगीर टू ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाह आलम टू टू डिसिसिव बैटल, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एंड बैटल ऑफ बक्सर वे फॉट. और आलमगीर टू के समय बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट. ठीक है. फिर अकबर टू गिव द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन रॉय. 35 क्वेश्चन है कि इन 1720 ब्रिटिश गवर्नमेंट इनेक्टेड द कलिको एक्ट, ये रिलेट करता था बैनिंग द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल इम्पोर्टेड फ्रॉम इंडिया. अच्छा, यही था कालिको एक्ट. फिर 36 है, यूरोपियन पावर्स वेर लास्ट टू कम टू इंडिया ट्रेडर्स बिफोर इंडियन इंडिपेंडेंस. मतलब यूरोपियन पावर्स जो लास्ट में आया वो कौन सा था, तो फ्रेंच था. पोर्टुगीज आया आपका मई 1498 में. फिर डच आए मासुलीपट्टनम में, पहला फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया इन 1605. फिर 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट कैप्टन विलियम हॉकिन जो सक्सीड किया जहांगीर से रॉयल पैट्रोनेज लेने में. फिर लास्ट यूरोपियन जो आए थे वो थे फ्रेंच इन 1668 AD. द फ्रेंच इस्टेब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत एंड 1669 इस्टेब्लिश अनदर फ्रेंच फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम. तो कौन से प्रिंसेस स्टेट्स से जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में जुड़े, वो थे हैदराबाद एंड मैसूर. तो द निजाम ऑफ हैदराबाद 1798 एंड 1800, रूलर ऑफ मैसूर 1799, रूलर ऑफ तंजौर 1799, नवाब ऑफ अवध एक्सेट्रा. सो जो पंजाब था वो एनेक्स किया गया था बाय मीन्स ऑफ वॉर. फिर ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है, तो बैटल ऑफ प्लासी से रिलेट करता है, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता. फिर एट्रीब्यूट्स इंडिगो रिवॉल्ट ऑफ 1859-60, जो पीजेंट्स थे उनको इंटेलिजेंसी और प्रेस सपोर्ट कर रही थी और ये लेड हो रहा था किससे, तो दिगंबर एंड विष्णु विश्वास के द्वारा. दीनबंधु मित्र रिटन इन 1858-59 नील दर्पण में उन्होंने लिखा कि जो पोर्ट्रे करता था कि फार्मर का सिचुएशन कैसा था. इट्स शोड हाउ फार्मर्स वर कोर्स्ड इनटू प्लांटिंग इंडिगो विदाउट एडिक्वेट पेमेंट. ठीक है. फिर 40 है कि कॉन्टिनेंटल सिस्टम बाय नेपोलियन कौन सा रिफॉर्म लिखा है, ये इसके कारण हुआ चार्टर एक्ट ऑफ 1813. ठीक है. इन इंग्लैंड द बिजनेस इंटरेस्ट फॉर प्लेसिंग फॉर एन एंड टू द कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया बिकॉज ऑफ स्पिरिट ऑफ लेसेज फेयर एंड कॉन्टिनेंटल सिस्टम बाय नेपोलियन, इसीलिए. ठीक है. फिर 41 के पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 जो है उसमें क्या था, तो द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास को जो है वो सबॉर्डिनेट कर दिया गया गवर्नर जनरल के, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंसिस्टिंग ऑफ चांसलर ऑफ एक्सचेकर एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड फोर मेंबर ऑफ द प्राइवी काउंसिल, मतलब कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जो कि कंट्रोल करेगा कंपनी का सिविल मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स. ठीक है. फिर बायोग्राफी ऑफ एओ हमें किसने लिखा, तो इसने लिखा विलियम वेडर बर्न ने. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूरोपियन कंपनी फर्स्ट स्टार्टेड द स्ट्रेटजी ऑफ यूजिंग वेल इक्विप्ड आर्मी टू इंटरवीन इन द क्वेरल्स ऑफ इंडियन स्टेट, तो ये इंग्लिश होगा. डुप्लेक्स जो थे वो फ्रेंच गवर्नर जनरल, सॉरी यहाँ पे फ्रेंच होना चाहिए, इन लोगों ने करेक्ट आंसर सीधे में फ्रेंच होगा. तो डुप्लेक्स द फ्रेंच गवर्नर जनरल पॉन्डिचेरी इवॉल्व द स्ट्रेटजी ऑफ यूजिंग द वेल डिसिप्लिन मॉडर्न फ्रेंच आर्मी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा करेक्ट है, तो कोई नहीं, तो करेक्ट क्या होगा कि द गवर्नमेंट ऑफ विलियम बेंटिक इन द रिजोल्यूशन ऑफ मार्च 1835 एक्सेप्टेड द व्यू पॉइंट ऑफ मैकॉले. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनीज गवर्नमेंट विल बी द प्रमोशन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर एंड सोसाइटी, ना कि वर्नैकुलर लैंग्वेजेस. ठीक है. हेंस बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट. तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था किस लिए, तो फर्स्टली टू ओवर असेसमेंट टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू एरियर्स ऑफ पेमेंट हैंस माउंटिंग डेप्ट ऑन पीजेंट्स लैंड डिस्पोजिशन राइजिंग अग्रेरियन डिस्टर्बेंसेस, इन सब के कारण
एक तरह का इफेक्ट है लैंड रेवेन्यू सिस्टम का। फिर रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, विच इंडियन स्टेट वॉज एनेक्स्ड ऑन ग्राउंड ऑफ मिस रूल, तो ये होगा अवध। इन 1856 डलहौसी एनेक्स्ड अवध ऑन द ग्राउंड ऑफ द मिस गुड ऑफ द गवर्न, दैट इज मिस रूल ऑफ नवाब वाजिद अली शाह। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी द टर्म दस्तक रिलेटेड टू किससे, तो फ्री ट्रांसिट पास विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूज एट टॉल्स। फिर मतलब कि बिना पेमेंट किए निकल जाओ। नेक्स्ट है आफ्टर 1805 वेलेस्ली वॉज रिकॉल्ड फ्रॉम इंडिया। तो मतलब देखा गया कि 1805 में वेलेस्ली को वापस बुला लिया गया। द शेयर होल्डर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्कवर्ड दैट द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन थ्रू वार वॉज प्रूविंग कॉस्टली एंड रिड्यूसिंग देयर प्रॉफिट। तो इसलिए वेलेस्ली वॉज देयरफॉर रिकॉल फ्रॉम इंडिया एंड कंपनी मेड पीस विद होलकर इन जनवरी 1806 बाय द ट्रीटी ऑफ रायघाट, गिविंग बैक टू द होलकर द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द टेरिटरी। होलकर का ना कि फ्रेंच। फिर 49 है कि वुड्स डिस्पैच जो है वो क्या है, तो इट आस्क्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एडुकेशन ऑफ द मासेस, ठीक है। और दूसरा कि इट रिकमेंडेड इंग्लिश न कि मदर टंग, इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम फॉर इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज एंड वर्नेकुलर एट स्कूल लेवल। फिर नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल वाइसराय सपोर्टेड द काउज ऑफ इंडियन प्रेस, तो पहला होगा मेटकैफ, फिर दूसरा होगा रिपन। तो मेटकैफ हैड लिफ्टेड रिस्ट्रिक्शन, हैंस इज नोन एज लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस इन 1835। और 1882 में रिपन ऑल्सो लिफ्टेड द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द वर्नेकुलर प्रेस एक्ट। ये जो था वर्नेकुलर प्रेस एक्ट, इट वॉज डन इन 1878 बाय लाइटन। तो अब इसको अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन सा होगा, तो पहला होगा तुम्हारा पहरिया रिवेलियन, फिर दूसरा होगा हो एंड मुंडा अपराइजिंग, तीसरा होगा कोल म्यूटिनी एंड चौथा होगा खोंड अपराइजिंग। तो पहरिया रिवेलियन जो था वो ब्रिटिश का एक्सपेंशन ऑन द टेरिटरी लेड टू एन अपराइजिंग बाय द पहाड़ियाज ऑफ द राजमहल हिल्स इन 1778। फिर हो एंड मुंडा हो गया 1820 to 1837, ये ईयर जरूर याद रखना चाहिए। कोल म्यूटिनी 1831, खोंड अपराइजिंग 1837 to 1856। फिर डोमिनिक को क्या है, ये एक रीजन है जहाँ संथाल रिबेलियन जहाँ पे हुआ था अंडर अगेंस्ट द ब्रिटिश, दिस इज कॉल्ड डोमिनिक को, ठीक है। फिर पक्सी जगह बंधु बिंदयाल लेड द सेंट्रल आर्मी ऑफ पैकास, फोर्सिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी टू रिट्रीट फॉर अ टाइम। द रिबेलियन केम टू बी नोन एज पैका विड्रो विथ एक्टिव सपोर्ट ऑफ मुकुंद देवा द राजा ऑफ खुर्दा एंड अदर जमींदार्स ऑफ द रीजन। तो मतलब कि ये अकेले नहीं थे, बाकी लोग भी थे। बक्सी जगत बंधु विद्याधर के पास, ये गलत है, भगत जवाहरमल नहीं होगा, यहाँ पे होगा बक्सी जगत बंधु विद्याधर। फिर द कुका मूवमेंट जो है ये स्टार्ट हुआ 1840 में बाय भगत जवाहरमल इन वेस्टर्न पंजाब। अ मेजर लीडर ऑफ द मूवमेंट आफ्टर हिम, उनके बाद थे बाबा राम सिंह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वेर द काउजेज ऑफ 1857 रिवॉल्ट। फर्स्टली डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द इंडियन सोसाइटी, सेकेंडरी सब्सिडियरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, थर्डली अटेम्प्ट्स एट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो द कॉलोनियल पॉलिसीज ने क्या किया था, डिस्ट्रॉय किया था इकोनॉमिक फैब्रिक को इंडियन सोसाइटी के, पॉलिसीज ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल, सब्सिडी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अटेम्प्ट्स एट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म सच एज एबॉलिशन ऑफ सती, सपोर्ट टू विडो मैरिज एंड वुमेन्स एडुकेशन, ठीक है। फिर पहला क्वेश्चन है कि इसको क्रोनोलॉजी के में करना है, 55 नंबर क्वेश्चन का है कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालो। तो पहला होगा मंगल पांडे रिफ्यूज टू यूज द ग्रीस्ड कार्ट्रिज एंड सिंगल हैंडेडली अटैक्ड एंड किल्ड हिज ऑफिसर। दूसरा होगा द सिटी ऑफ डेली फेल इन टू द हैंड्स ऑफ द रिवेलियन सोल्जर्स।
थर्डली क्वीन प्रोक्लामेशन, तो सबसे पहले द इवेंट्स दैट लेड टू रिवॉल्ट बिगन ऑन 29 मार्च 1857 एट बैरकपुर। मंगल पांडे ने रिफ्यूज कर दिया कार्ट्रिज यूज करना। फिर दूसरा हुआ 12 मई 1857 जब सिटी ऑफ दिल्ली फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द रिवेलियस सोल्जर। फिर तीसरा होगा कि नवंबर 1, 1858 को क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लामेशन हुआ ग्रैंड दरबार का इलाहाबाद। फिर नाना साहेब, क्वेश्चन नंबर 56 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से रिलेट करता है। नाना साहेब कहाँ से थे, तो कानपुर से। फिर दिल्ली में किसने संभाला हुआ था, जनरल भक्त खान ने, बहादुर शाह के अंदर जनरल भक्त खान। कानपुर में नाना साहेब कुंवर सिंह थे जिन्होंने बिहार से संभाला था। तो रीज़न क्या था फेलियर ऑफ 1857 रिवॉल्ट का, फर्स्टली पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट, दूसरा मनी लेंडर्स मर्चेंट और मॉडर्न एडुकेटेड इंडियंस जो थे वो रिवॉल्ट के अगेंस्ट थे, तीसरा ब्रिटिश वेयर एडेड बाय न्यू साइंटिफिक इन्वेंशंस। तो फिर 58 होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 का क्या था, तो इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वाइसरॉय ऑफ इंडिया। फिर 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। फिर तीसरा है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट ऑफ 1867 ने एम्पावर किया था वाइसरॉय को कि टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर फॉर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस इन द काउंसिल। फिर लॉर्ड लाइटन के बारे में, तो फर्स्ट फेमिन कमीशन जो हुआ था वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था अंडर सर रिचार्ड स्ट्रेची लाइटन के समय। फिर तीसरा कि इन्होंने एबॉलिश किया था मैनी इम्पोर्ट ड्यूटीज एंड सपोर्टेड फ्री ट्रेड पॉलिसी। सेकेंड अफगान वार हुआ था 1878-80 में लॉर्ड लाइटन के समय, ना कि फर्स्ट अफगान वार। फिर लॉर्ड रैपन ने इंक्रीज किया म्यूनिसिपैलिटी का पावर, ही अपॉइंटेड विलियम हंटर कमीशन टू इम्प्रूव एडुकेशन प्रॉस्पेक्ट। फिर ही वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेंडिशन ऑफ मैसूर टू इट्स हिंदू रूलर। अच्छा, इन्होंने इंश्योर किया कि हिंदू रूलर के पास जाए। फिर लॉर्ड कर्जन, 61 क्वेश्चन का, लॉर्ड कर्जन इन्होंने इंस्टीट्यूटेड यूनिवर्सिटीज कमीशन जो कि इंटायर क्वेश्चन ऑफ यूनिवर्सिटी एडुकेशन पे फोकस करता है। ही पास्ड एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट ऑफ 1904 जो कि ऑब्लिगेटरी करता है गवर्नमेंट के लिए एंड लोकल अथॉरिटीज के लिए कि वो मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्व करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राममोहन रॉय का, ही इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने कॉम्बाइन किया था टीचिंग किसका किसका, तो उपनिषद बाइबल कुरान का, सो दैट इन डेवलपिंग यूनिटी अमॉन्ग पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। राजा राममोहन रॉय ने ब्राह्मो समाज इस्टेब्लिश किया था कलकत्ता में इन 1828। ही प्रीच्ड मोनोथिज्म, ही कॉम्बाइंड द टीचिंग्स। फिर 63 विष्णु शास्त्री पंडित जो थे उन्होंने फाउंडेड किया था विडो रीमैरिज एसोसिएशन। चौथा है रामबाई रांडे, इन्होंने फाउंड किया था लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस। जगन्नाथ शंकर सेठ और बाऊ दाजी जो थे वे सबसे ज़्यादा एक्टिव प्रमोटर्स थे गर्ल्स एडुकेशन के महाराष्ट्र में, ना कि कलकत्ता। फिर आर्य समाज जो था वो एक्टिवली इन्वॉल्व था इंडियन नेशनल मूवमेंट में। राजा राममोहन रॉय जो थे उन्होंने फाउंड किया था हिंदू कॉलेज, नाउ प्रेसिडेंसी कॉलेज, अलॉन्ग विद डेविड हैरे अ मिशनरी। स्वामी दयानंद सरस्वती स्टार्ट करते हैं शुद्धि मूवमेंट टू ब्रिंग बैक दोज हिंदूज हु आर कन्वर्टेड टू अदर रिलीजन टू इट्स फोल्ड। ही रोट द बुक सत्यर्थ प्रकाश विच कंटेन्स हिज आइडिया। फिर द प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड इन 1867 इन बॉम्बे किसके द्वारा, तो आत्मा राम पंडू रंग। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी था वो फाउंड किया गया था न्यूयॉर्क में बाय मैडम एच पी वलेट्स्की जो कि रशियन लेडी थी, और हेनरी स्टील ऑलकॉट जो अमेरिकन कॉलोनल थे। फिर पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वे ही हेल्प्ड जे टी बैथून टू एस्टेब्लिश बैथून स्कूल। वो बिलीव करते थे कि इंडियन सोसाइटी शुड बी रिफॉर्म्ड विच कुड ओनली कम थ्रू एडुकेशन। उन्होंने फाउंड किया था मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन इन कैलकटा, ना कि बॉम्बे। फिर 67 है कि अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा सोशल और एडुकेशनल एडवांसमेंट के लिए मुस्लिम का।
ही फाउंडेड अ मॉडर्न स्कूल एट अलीगढ़ जो कि इंग्लिश एजुकेशन प्रमोट करता था मुस्लिम के लिए। फिर 68 है कि जो पेरियार अपोज्ड वर्णाश्रम, जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था उसका एम था कि अपलिफ्ट करना ड्राविडियंस को और एक्सपोज करना ब्राह्मणिकल टायरेनी को। पेरियार जो थे वो खुद मैरिजेस कराते थे विदाउट एनी रिचुअल्स। ठीक है, 69 है कि अर्लीस्ट टू फॉर्म वॉज ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। देखो बॉम्बे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन हुआ 1851 में बंगाल में, बॉम्बे एसोसिएशन हुआ 1852 में दादाभाई नौरोजी का, फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हुआ 1856 में लंदन में, मद्रास नेटिव एसोसिएशन हुआ 1852 में, पूना सार्वजनिक सभा हुआ 1870 में, मद्रास महाजन सभा हुआ 1884 में। 70 क्वेश्चन में है कि एम ऑफ इंडियन एसोसिएशन जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी से ने बनाया था उसका एम क्या था। टू रिप्रेजेंट द व्यूज ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास एंड टू टेक यूनाइटेड कम्युनिटी एक्शन। द एम ऑफ द एसोसिएशन वॉज टू रिप्रेजेंट द व्यू ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास इंस्पायर्ड इंडियन कम्युनिटी टू टेक द वैल्यू ऑफ यूनाइटेड एक्शन। फिर एल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी जो था वो हाई वाटर मार्क था इंडियन नेशनल मूवमेंट का, ये था क्योंकि रेसल डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था इंडियन और यूरोपियन के बीच में। सी पी अल्बर्ट लॉ मेंबर इंट्रोड्यूस्ड अ बिल इन 1883 टू इंट्रोड्यूस डिस्क्रिमिनेशन इन जुडिशरी, बट यूरोपियंस ने इसका अपोज किया। फिर 72 वर्नेक्लो प्रेस एक्ट जो है ब्रिटिश इंडिया का वो किससे रिलेट करता है, तो द पर्पस ऑफ द एक्ट वॉज टू कंट्रोल द प्रिंटिंग एंड सर्कुलेशन ऑफ सेडिशियस मटेरियल्स specifically that which could produce disaffection against the British government in India in the minds of the masses. फिर 73 एक इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 किससे रिलेट करता है, तो इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू किसको, तो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को वापस अपना पावर दे दिया। इट एम्पावर्ड द वाइसराय टू इशू ऑर्डिनेंस विदाउट कॉन्करेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ 1861 है जो इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट वाज नॉट प्रोवाइडेड थ्रू द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ठीक है, फिर 74 होगा कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन जो है वो रिलेट करते इट सुपरसीडेड द लंदन इंडियन सोसाइटी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है वो फाउंडेड इट वॉज फाउंडेड बाई दादाभाई नौरोजी इन द ईयर 1866 इन कॉलाब्रेशन विद इंडियंस एंड रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर इन लंदन। ये एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं था विच आर नॉट एसोसिएटेड विद द काउज ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। तो ये सब एसोसिएटेड थे, जैसे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस, आर्य समाज इन पंजाब, पंडिता रामाबाई, सब रिलेट करते थे। 76 क्वेश्चन है कि पंच मिशन क्या है, तो इट कंसिस्ट कंस्टलेशन ऑफ फोर सूटकेस साइज्ड मैक्रोसेट्स और इट फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजिशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द सन्स आउटर कोरोना टू द सोलर विंड। ठीक है, इसरो इससे इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ये नासा का मिशन है। फिर महात्मा गांधी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक पार्क जो है वो कहाँ इनाग्रेट हुआ है, तो कोटे डी एवोर में इनाग्रेट हुआ है। फिर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है वो माइग्रेंट वर्कर को सब्सिडाइज राइस और वीट देगी किसी भी राशन शॉप में कंट्री के। ठीक है, प्रेजेंटली 10 ऐसे स्टेट्स हैं जो ऑलरेडी ऑफर करती है ये पोर्टेबिलिटी, जो कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना एंड त्रिपुरा। 79 करतारपुर कॉरिडोर जो है ये बॉर्डर कॉरिडोर है जो कि कनेक्ट करेगा सिख सरिंद डेरा बाबा नानक साहिब और गुरुद्वार दरबार साहिब करतारपुर को। कॉरिडोर जो है वो अलाउ करेगा रिलीजियस डेवोटी फ्रॉम इंडिया टू विजिट द गुरुद्वारा इन करतारपुर बिना वीजा के। फिर द करतारपुर कॉरिडोर जो है वो सबसे पहले 1999 में ही प्रपोज किया गया था जब दिल्ली व लाहौर पर डिप्लोमेसी हुई थी। ठीक है, फिर ये ड्रैगन फ्लाई मिशन क्या है, तो ड्रैगन फ्लाई इज पार्ट ऑफ नासाज न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम। ड्रैगन फ्लाई एम्स टू सर्च फॉर साइंस ऑफ माइक्रोबियल एलियन लाइफ ऑन सैटर्न्स मून टाइटन। ठीक है, सैटर्न का मून टाइटन। फिर 81 है निर्भया फंड,
ये जो फंड हुआ था वो क्रिएट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को के द्वारा, इज डेडिकेटेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनिशिएटिव्स एम्ड एट एनहांसिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर वुमेन इन द कंट्री। ये एक नॉन लैप्सिबल कॉर्पस फंड है, ये होगा आपके, इट इज बिंग एडमिनिस्ट्रेड बाई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बस एक नोडल अथॉरिटी है। वन स्टॉप सेंटर स्कीम ऑल्सो नोन एज सखी सेंटर इज एम्ड एट एस्टेब्लिशिंग सेंटर्स टू फैसिलिटेट वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस। जबकि महिला पुलिस वॉलंटियर्स जो हैं ये एक लिंक एक्ट करती है बिटवीन पुलिस एंड कम्युनिटी एंड हेल्प वुमेन जो कि डिस्ट्रेस में हो। फिर ग्लोबल फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट क्या है, इट ये एक सेमी एनुअल रिपोर्ट है जो कि असेस करता है स्टेबिलिटी ऑफ ग्लोबल फिनेंशियल मार्केट एंड इमर्जिंग मार्केट्स फिनांसिंग। ये IMF के द्वारा निकाला जाता है। फिर पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। इम्प्लीमेंट्स द स्कीम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एक्सक्लूसिवली फॉर देम। तो PVTGs जो है ये डिसाइड करते हैं 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो यहाँ पे सिर्फ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड होगा, ना कि टू यूनियन टेरिटरी। फिर अमॉन्ग द 75 लिस्टेड PVTGs द हाइस्ट नंबर फाउंड इन ओडिशा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा स्कीम है डेवलपमेंट ऑफ PVTGs इज एक्सक्लूसिवली फॉर देम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि 84 द ओशन क्लीन अप, ये एक इट डेवलप्स एडवांस टेक्नोलॉजीज टू रीड वर्ल्ड ओशन ऑफ प्लास्टिक। ये यूटिलाइज करता है ओशन करेंट को टू क्लीन अप हाफ द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच विद इन 5 years। नेक्स्ट है कौन सा मैच करेक्टली है, तो भाषण 4 चाहिए बांग्लादेश में है, रोहिंग्या रेफ्यूजीज लिविंग इन बांग्लादेश आर रिलोकेटेड टू रिमोट आइलैंड ऑफ भाषण 4। फिर यजिदीज जो है ये कुरमंजी स्पीकिंग एथनो रिलीजियस ग्रुप है जो कि कुर्दिश माइनॉरिटी हैं जो कि इंडिजिनस है इराक सीरिया एंड टर्की में। फिर टास्कैन जो है ये कैपिटल है उज्बेकिस्तान का और यहाँ पे बहुत सारे म्यूजियम है और बहुत मिक्स है मॉडर्न एंड सोवियत इरा आर्किटेक्चर का। फिर बैतरानी रिवर्स ओडिशा में है, कुकी ट्राइब है मिजोरम में, सलमा डैम होगा अफगानिस्तान में। ठीक है, फिर बैतरानी रिवर बैतरानी इज वन ऑफ द 6 मेजर रिवर्स ऑफ ओडिशा। सलमा डैम हो गया अफगानिस्तान, कुकीज हो गया चीन में, कुकीज ऑल्सो नोन एज चीन, दे आर वन ऑफ द हिल ट्राइब जो पीपल इन द चीन स्टेट ऑफ म्यांमार एंड मिजो इन द इंडियन स्टेट ऑफ मिजोरम। फिर नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी क्या है, तो नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी है ये एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म अंडर GST लॉ टू चेक द अनफेयर प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज बाय द ट्रेडिंग कम्युनिटी। कोर फंक्शन क्या है, तो इज टू एंश्योर द बेनिफिट्स ऑफ रिडक्शन इन द GST रेट्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज मेड बाय GST काउंसिल जो है पास ऑन हो जाए कंज्यूमर तक। फिर ग्लिफोसेट इज रिलेटेड टू VDCide। नेशनल पार्क्स आर पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, बंदीपुर इज पार्ट ऑफ इट, एराविकुलम इज पार्ट ऑफ इट। जो गिर नेशनल पार्क है ये गुजरात में है, इट इज़ पार्ट ऑफ कथवार गिर ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट इको रीजन। फिर तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है, ये पार्ट नहीं है वेस्टर्न घाट का, इट इज़ इन महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्रज ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क। फिर एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन और सुगम्य भारत अभियान इज अ प्रोग्राम इज टू सर्व द डिफरेंटली एबल्ड कम्युनिटी ऑफ द कंट्री। द प्रोग्राम कम्स इन विथ एन इंडेक्स टू मेजर द डिज़ाइन ऑफ द डिसेबल फ्रेंडली बिल्डिंग्स एंड ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज। फिर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है, तो यह है ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स यूज गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायरमेंट पर वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो प्रोक्योर करती है। फिर 91 है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, ये एक टाइम स्टैम्प्ड सीरीज ऑफ इम्यूटेबल रिकॉर्ड ऑफ डाटा है जो कि डेट इज मैनेज बाय क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स एंड नॉट बाय अस एनी सिंगल एंटिटी। ब्लॉकचेन नेटवर्क में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होता, इट कैरीज नो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स, ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा। फिर किम्बर्ले प्रोसेस क्या है, तो ये है कि प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स इंटरिंग इनटू मार्केट, ये प्रिवेंट करता है ऐसे डायमंड्स को मार्केट में एंटर करने के। UN सिक्योरिटी काउंसिल क्या है,
ये एक यूएन बॉडी है जो कि ऑथराइज विद द ऑथोरिटी टू इशू बाइंडिंग रिजोल्यूशन टू मेंबर स्टेट्स. द प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल इज हेल्ड बाय ईच ऑफ द मेंबर्स इन टर्न फॉर वन मंथ फॉलोइंग द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द मेंबर स्टेट्स नेम. ये इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में. इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में. सुपर कंडक्टिविटी क्या है? सुपर कंडक्टिविटी इज ए स्टेट जहाँ पे जो मटेरियल है वो बहुत हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दिखाता है. सुपर कंडक्टिविटी जो है वो हाई टेम्परेचर पे ही पॉसिबल है. ये दोनों गलत है. मतलब कि सही होगा कि सुपर कंडक्टिविटी इज़ अ फेनोमेना जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जीरो रेजिस्टेंस से दिखाता है, ना कि हाई रेजिस्टेंस. फिर कैन सेव ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. क्योंकि जीरो रेजिस्टेंस दिखाते हैं इसलिए इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इट कैन सेव ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. और इट इज़ पॉसिबल एट लो टेम्परेचर, नॉट हाई टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर. 96 आर्टिकल 341 जो है वो देता है प्रिविलेजेस एंड कंसेशन टू मेम्बर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट. फिर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के पास के लिए ऐसा पावर है टू इंक्लूड एक्सक्लूड एनी एंट्री इन लिस्ट्स अंडर आर्टिकल 341. फिर रिजर्वेशन इज देयर ओनली इन लोकसभा एंड नॉट इन राज्यसभा फॉर दिस एससीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस. ये किससे रिलेट करता है? तो ये जो है ITSSO इज एन ऑनलाइन मॉड्यूल अवेलेबल टू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स. ये लेवरेजेस द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम विच इज़ अ नेशन वाइड नेटवर्क जो कि इनेबल करता है शेयर करना इन्फॉर्मेशन बिटवीन पुलिस स्टेशन, स्टेट ऑफिसर्स एंड सिक्योरिटी एजेंसीज. फिर है भूपति सीड टेल. ये कहाँ मिलता है? वेस्टर्न घाट में. स्मॉल वुड ब्राउन बटरफ्लाई, ये है कंचनजंगा नेशनल पार्क. पॉन्डिचेरी साक, ये है ईस्ट गोदावरी रिवर एस्टुअरीन. फिर द कन्वेंशन कंसर्निंग मिनिमम एज फॉर एडमिशन टू एम्प्लॉयमेंट इज अ कन्वेंशन अडॉप्टेड इन 1973 बाय ILO. इट रिक्वायर्स स्टेट्स टू परस्यू अ नेशनल पॉलिसी जो कि डेजिग्नेटेड होता है टू एनश्योर द इफेक्टिव इवोल्यूशन ऑफ चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए. फिर इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है ILO का, जो कि 1919 में बना था. फिर 100 क्वेश्चन है कि इसराइल हैज़ बॉर्डर किसके किसके साथ? तो इजिप्ट के साथ, जॉर्डन के साथ और लेबनन के साथ. सो फ्रेंड्स, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टेस्ट 3 इन 42 मिनट्स. So hope you like it, and it's just for quick revision. It's for my personal revision. If you find it good, it will be really, I would be happy if it's good for you all. You can use it for revision. Thank you so much.